हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम टाटा जुनून के कैलिपर असेंबली के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कैलिपर असेंबली को निकालने से पहले इसके ब्रेक फ्लूड वाली लाइन को आउट करेंगे। इसे आउट करने के लिए दोस्तों 14 का स्पैनर लगेगा। इसे हम 14 के स्पैनर की मदद से आउट कर सकते हैं और इसे हमने आउट कर दिया है। अब दोस्तों कैलिपर के नट को हम 12 की स्पैनर की मदद से आसानी से खोल सकते हैं। तो 12 का स्पैनर लगाइएगा दोस्तों, तो कैलिपर के एक नट को खोलने से हमारा कैलिपर आउट हो जाएगा। तो हमने 12 के स्पैनर की मदद से एक नट को खोल दिया है और उसके बाद हम कैलिपर को स्क्रू ड्राइवर की मदद से नीचे को धकेलेंगे तो हमारा कैलिपर नीचे की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार से हमने कैलिपर को निकाल देना है दोस्तों। तो पीछे की ओर धक्का देंगे तो हमारा कैलिपर आउट हो जाएगा और उसके बाद इसके हमने ब्रेक पैडों को निकाल देंगे। ब्रेक पैड दोनों साइड लगे रहते हैं दोस्तों इसके, तो दोनों ब्रेक पैडों को हमने निकाल देना है। अगर ख़राब है तो इसे हम चेंज कर सकते हैं। और इसके दोनों क्लिपों को भी निकाल दीजिए। अगर यह भी ख़राब है तो इसे भी हम चेंज करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, मैं इसे भी चेंज करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज हमने सीखना है कि हमने इसके कैलिपर किट को किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो दोस्तों, इसकी किट को निकालने के लिए, पिस्टन को निकालने के लिए हमने क्या करना है, इस प्रकार से हमने किसी एक लकड़ी का गुटका लेना है और कैलिपर असेंबली को पूरा पकड़ना है ऊपर से और लकड़ी के गुटके में ठोकेंगे। इस प्रकार से ठोकेंगे तो दोस्तों इसका पिस्टन हमारा बाहर को आ जाएगा। जिस प्रकार से ये पिस्टन हमारा बाहर की तरफ निकल गया, एक पिस्टन हमारा निकल चुका है दोस्तों। और इसके डस्ट कवर के वाशर को निकाल देंगे, ये हमारा डस्ट नहीं जाता है दोस्तों इसकी वजह से, तो इसके डस्ट कवर को भी निकाल देंगे। उसी प्रकार से ठोक कर दूसरे वाले पिस्टन को भी निकाल देंगे। इसमें दो पिस्टन लगे रहते हैं दोस्तों टाटा जुनून में, दोनों पिस्टनों को निकालने का तरीका। तो दोनों पिस्टन हमने निकाल दिए हैं। इस प्रकार से पिस्टनों को निकाल देंगे और इसके रबड़ किट को भी निकाल देंगे। ये डस्ट कवर रबड़ किट है दोस्तों। और पिस्टन देखिए हमारा कितना ख़राब हो रखा है, इन पिस्टनों को भी हमने साफ करना है। तो रेगमाल की मदद से, इमरी पेपर की मदद से हम इसे आसानी से साफ कर सकते हैं और इसे हम ब्रेक फ्लूड की मदद से भी धुला सकते हैं। और अंदर भी हमारा गंदा हो रखा है, इसे भी हम जीरो पेपर से साफ करेंगे। और इसके अंदर के रबड़ किट को निकालने का तरीका ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसके रबड़ किट को आसानी से आप निकाल सकते हैं। पतला सा स्क्रू ड्राइवर लीजिएगा और उसकी मदद से अंदर को डालेगा और ये रबड़ किट हमारा निकल जाएगा। और इसे हम, अगर ये कटा हुआ है तो इसे हम चेंज करेंगे, दूसरा डालेंगे। और इसके पिस्टन के अंदर वाले हिस्से को हम बिल्कुल क्लीन करेंगे। तो दोस्तों, इसे क्लीन करने के लिए जीरो पेपर से हम क्लीन कर सकते हैं और ब्रेक फ्लूड की मदद से भी हम इसे क्लीन कर सकते हैं। ये हमारा जीरो पेपर है, तो जीरो पेपर की मदद से हल्का हल्का रगड़कर हम इसे बिल्कुल क्लीन करेंगे। दोनों पिस्टनों को हमने एक एक करके क्लीन करना है दोस्तों। तो ये हमारे क्लीन हो गए हैं दोस्तों, हमने पिस्टन को भी क्लीन कर दिया है और अंदर भी हमने पूरा क्लीन करके आपको दिखा दिया है। और इसके रबड़ किट को भी हमने साफ कर दिया है। अभी लगाने के लिए हमने हल्का सा ग्रीस लगाना पड़ेगा। ये आपके किट के साथ ही मिलता है दोस्तों, इस ग्रीस को आप किट के साथ ही मिलेगा और किट के साथ ही इस ग्रीस को आप लगाइएगा। तो अंदर में लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा किट कटने से बचता है, कटता नहीं है। पिस्टन डालेंगे तो हमारा आसानी से चला जाएगा और हमारा ये किट कटेगा भी नहीं। तो ग्रीस को लगा कर ही हम इस किट को लगाते हैं। तो हमने दोस्तों ग्रीस लगा दिया है और अभी इसके रबड़ किटों को भी दोनों साइड के इस प्रकार से उंगली की मदद से हल्का सा प्रेस करके अंदर को दबा दीजिएगा, ये आसानी से लग जाता है। तो आसान है दोस्तों, कटा नहीं था, इसे आप लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो अभी दोस्तों ये हमारा किट लग चुका है। इसके बाद हमने अभी क्या करना है, पिस्टन को भी फिट करना है। तो दोस्तों, पिस्टन को फिट करने के लिए या तो आप इस प्रकार से पहले ही रबड़ किट को इसमें लगाकर फंसा सकते हैं, या फिर आप अंदर वाले हिस्से को पहले आप कैलिपर में लगाकर, कैलिपर में लगाने के बाद आप फिर इसे
पिस्टन को डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये आसान लगता है दोस्तों, मैं इसी प्रकार से फिट कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग पहले उसमें फिट करिएगा तब भी आसान रहेगा, क्योंकि अंदर वाले रेसे में मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या है, आपका ये किट बाहर ही रह जाएगा तो अंदर आपका फंसेगा, नहीं तो क्या है डस्ट आपका अंदर घुसेगा और आपका क्या होगा, इसका पिस्टन आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे फिट कर दीजिएगा। दोनों पिस्टनों को साफ करके हमने कैलिपर को किस प्रकार से फिट करना है, इस प्रकार से हम आसानी से फिट कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारा दोनों पिस्टन इस प्रकार से हमारे फिट हो गए हैं। हल्का सा उंगलियों के अंगूठे की मदद से दबाने से ये फिट हो जाते हैं और अंदर वाले रेसर में ये आसानी बैठ जाते हैं। मेरे ये रबड़ किट भी बैठ गया है दोस्तों, डस्ट कवर भी हमारा बैठ गया है। अब इसे कैसे फिट करते हैं, ये देखिए क्लिपों को मैंने चेंज ही करना है। ये नए थे मेरे पास, दोनों नए लगाऊंगा क्योंकि वो मेरे थोड़े से कटे हुए थे, तो मैंने ये नए वाले हैं, मैंने नए क्लिप को लगा देंगे। और इसे लगाने के बाद दोस्तों हमने ब्रेक पैड को लगाना है, तो ब्रेक पैड को लगाने से पहले उसे हल्का सा घिस लीजिएगा, पत्थर में घिस लीजिएगा नीचे में, या फिर आप पेपर से भी घिस सकते हैं, रेगमाल से या इमरी पेपर की मदद से घिस कर ही फिट कर दीजिएगा। और इसे खाँचे में बैठाकर आसानी से इसके ब्रेक पैड भी फिट हो जाते हैं। किस प्रकार से दोस्तों, हिस्सा ये नीचे की तरफ खाँचे बने रहते हैं, खाँचे के हिसाब से अपने आप बैठ जाते हैं और आप उल्टा लगाएंगे तो ये आपके पैड बैठेंगे भी नहीं। अभी कैलिपर असेंबली को फिट कीजिएगा। इसे फिट करने के लिए आपने इस प्रकार से डाल दीजिएगा और हल्का सा अंदर को दबा दीजिए, और इसके बाद आप 12 के स्पिनर को की मदद से इस वाले बोल्ट को, कैलिपर के बोल्ट को टाइट कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी हमने ये पूरा खोला है तो इसकी ब्लेडिंग भी हमने करनी पड़ेगी, तो ब्लेडिंग करेंगे तो उसके बाद ही हमारा ये सक्सेस होगा। अगर ब्लेडिंग नहीं करेंगे तो क्या है, हमने पूरा पिस्टन खाली कर रखा है, इसके ब्रेक फ्लूइड को पूरा खाली कर रखा है, तो हमने ब्लेडिंग करनी पड़ेगी। तो पहले ब्लेडिंग वाले पाइप को लगा लेंगे, तो ब्लेडिंग वाले पाइप को भी अच्छी प्रकार से लगाएगा तो टाइट होगा। 14 की स्पिनर से इसे फुल टाइट कर दीजिएगा। तो ब्लेडिंग पाइप को टाइट करने के बाद दोस्तों इसके ब्लेडिंग निप्पल को हमारा 9 का स्पिनर लगता है दोस्तों, इसमें 9 के स्पिनर की मदद से हम इसकी ब्लेडिंग भी करेंगे, क्योंकि ब्लेडिंग करेंगे तभी हमारा ये हमारा सक्सेस होगा। नहीं तो क्या है, इसमें ईयर हमारी घुसी रहती है, तो हम इसे ब्लेडिंग करेंगे। और ब्लेडिंग करने के बाद हमारा इस प्रकार से गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक आदमी पंप कीजिए और उसके बाद इसकी ब्लेडिंग कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने सीखा है कि टाटा जुनून के कैलिपर असेंबली को हम किस प्रकार से फिट करते हैं और इसके किट को हम किस प्रकार से रिपेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो में सीखी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। तो आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और कॉमेंट्स कीजिएगा। और दोस्तों जो भी भाई मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, आपका टेक्नीशियन भाई गोविंद आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।